हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। और भाई अभी निकल चुके हैं अपने रैपिडो ऑन करके, रैपिडो ओला दोनों हमने ऑन कर लिए हैं। तो देखते हैं भाई फर्स्ट राइड कहाँ की आती है। तो भाई चलते हैं और काफ़ी दिनों बाद निकले हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा भाई दिल्ली में तो बुरा हाल हो रखा है बारिश की वजह से। तो इसके कारण ना ही कोई राइड हो पा रही थी और ना ही भाई ओला वगैरह चलाने जा रहा था मैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ तो मैंने बोला चलो चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, बाइक की ना बहुत बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसको निकाला था ना तो भाई बारिश हुई थी तगड़ी। तो इसकी हालत मैं दिखा सकता हूँ, और मैंने वॉश करी थी, वॉश करने के बाद फिर ये ऐसी हो गई। और उसके बाद फिर मैंने इसको वॉश ही नहीं किया। मैंने बोला एक तो या तो खुद वॉश करो, नहीं तो फिर वॉश करवाओ। जब अगर वॉश करवाता भी हूँ और ख़ुद भी करता हूँ तो भी यार बारिश होती है तो उसके कारण क्या होता है भाई, बड़ी गंदी हो जाती है। और भाई हालत दिखाता हूँ मैं इसकी, क्या हालत हो रखी है। तो भाई सेक्टर 9 की राइड अपने पास आई है, तो पहले पिकअप करते हैं और उसके बाद चलते चलते बात करते हैं। तो पहले कस्टमर को पिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे भाई क्या है। और एक बार मैं उतर के दिखाता हूँ जब तक कस्टमर नहीं आता है। कस्टमर की लोकेशन पे आ चुके हैं हम, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई बाइक की हालत क्या हो रखी है इस टाइम। तो भाई ये अपनी N250, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें दोस्तों कि कितनी गंदी हालत हो रखी है। इसमें सारी चीज़ मट्टी मट्टी हो रखी है, इधर से आप देख सकते हैं भाई क्या हालत हो रखी है। मतलब इसी चक्कर में मैं मतलब ना ही कहीं राइडिंग पे जा रहे थे। और आपको भी पता होगा भाई दिल्ली में काफ़ी बुरा हाल हो रखा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें इतनी ख़राब है, अगर खड्डे में गिर गए तो बस। और इसी बीच अभी एक वीडियो डाली थी, उस पर भाई आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। जैसे कि बता दूँ आपको, जो हमने ये विंगलेट्स लगाए थे जैसे कि आपको दिख रहे हो भाई, ये काफ़ी सेक्सी लुक आ रही है इनकी विंगलेट्स की, ठीक है। तो ये भी मस्त लग रहे हैं। और मैंने देखो इसको ना निकाल के इसमें ब्लैक टेप लगा दिया, तो पता भी नहीं लग रहा भाई लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो भाई काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो चलते हैं भाई कस्टमर को पिक करते हैं, उसके बारे आगे बात करते हैं। तो भाई मैम को कर लिया हमने पिकअप, और मैम को जाना है द्वारका सेक्टर 9। तो द्वारका सेक्टर 9 छोड़ेंगे मैम को, उसके बाद देखेंगे सेकंड राइड कहाँ की आएगी। और उससे पहले क्या करना है, हमें करवाना है फ्यूल, पेट्रोल भरवाना है हमें। तो पेट्रोल लेके फिर सेकंड राइड देखेंगे, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से निकल नहीं रहे थे तो पेट्रोल भी इसमें ज़्यादा था नहीं, तो उतना ही है, पहुँच जाएँगे द्वारका सेक्टर 9। बाकी इतना हाँ काफ़ी है, अभी 40 किलोमीटर चल जाएगी। तो चलते हैं भाई। और भाई दिल्ली की बारिश की बात करो, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे मौसम एकदम ख़राब से ही लग रहा है, और कब मर्जी बारिश हो जा रही है वो पता ही नहीं लग रहा है। जैसे कि आपको बता दें यहाँ बारिश हो रही है, वो आगे रेड लाइट है, वहाँ बारिश हो ही नहीं रही है, तो इतने इतने गैप का फ़र्क आ जाता है। ओके मैम। तो भाई मैम को छोड़ दिया द्वारका सेक्टर 9, अब यहाँ से लेते हैं हम फ्यूल। और मैम को पूछा मैंने, मतलब फ्यूल ले लेते हैं, कहते नहीं भैया मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मतलब चलो कोई बात नहीं, आपको छोड़ के ले लेंगे। यहाँ से भी पास में ही पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से ले लेते हैं फ्यूल। दोस्तों अभी अभी अपने को राइड आई है द्वारका सेक्टर 10 की, और पिकअप करना है हमें पालम से। तो 4 मिनट का पिकअप दिखा रहा है, तो भाई चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं। और वैसे भी भाई चल लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज ज़्यादा राइड मिलेगी। और वो किस लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, सैटरडे को आपको पता ही होगा कि भाई
हल्का काम रहता है। जो भी ओला रैपिडो में वर्क करते हैं उन सभी भाइयों को पता ही होगा भाई, सैटरडे और संडे तो रेट पिटी रहती है, लेकिन उस दिन जो होता है कि आपका जो फेयर है वो ज़्यादा बनता है और नाइट फेयर ज़्यादा बनता है। तो कोई नहीं, जो भी हमें आज मिलेगा वो हम करेंगे और मतलब जितनी भी होगी अर्निंग वो कर ही लेंगे, बाकी देखते हैं जो भी जैसा भी अच्छा है। बाकी कौन सा, हमें ये है कि इसी से हमारा, बस ये है कि भाई इसी से अपनी ट्रिप चलती है, क्योंकि जो भी पैसे इससे बनते हैं आप सभी को पता ही होगा, पहले भी मैंने बताया था कि जो भी इससे पैसे बनते हैं मैं उससे सिर्फ ट्रिप करता हूँ या फिर अपने बाइक के लिए कोई मॉडिफिकेशन या कुछ भी, मतलब अपनी बाइक के ऊपर या फिर ट्रिप के ऊपर ही खर्च करते हैं। और घर के लिए एक रुपया मैं इसका जो भी आता है वो खर्च नहीं करता। तो चलते हैं फटाफट पिक करते हैं। तो भाई सर को बोल दिया हमने, OTP क्या है सर? 0498। बैठिए जी। तो भाई सर को हमने कर लिया है पिकअप और सर को हमने ड्रॉप करना है सेक्टर 10 द्वारका। तो चलते हैं भाई। जानवरों का भी पता नहीं है, अभी बुलेट वाले भी आ रहे थे, उनके आगे से एकदम से निकल गया। तो भाई सर को कर दिया हमने यहाँ पे ड्रॉप और सर के बनते हैं 30 रुपीज़ 2 किलोमीटर के। तो भाई हमें मिले 24 रुपये और अभी टोटल हो गया अपना भाई 75 रुपये का काम हो गया सुबह सुबह। और क्या चाहिए भाई, खाली बैठे रहने से तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट राइड आ रही है भाई, फूड की आ रही है। फूड तो भाई अपने करते ही नहीं, आपको भी पता है बहुत झंझट लगती है भाई फूड में। फूड का तो मैं बंद ही कर देता हूँ, एक बार ले लिया था मतलब शौक में इसकी वो मेंबरशिप ले ली थी 300 रुपये दे के, तो मतलब कोई नहीं कर लिया करेंगे, लेकिन यार क्या बताऊँ फूड का जो मेरे को ना सबसे गंदा लफड़ा लगता है। मिले थे, जा रहे थे पार्क से और भाई कह रहे थे हमारे भी है भाई, चलते हैं। बिग फैन तो नहीं भाई, अभी इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन भाई जाके फॉलो जरूर करना इंस्टा ID और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है भाई? ओके भाई, अभी तो कर रहे हैं भाई रैपिडो, ठीक है, लेकिन घूमने भी जाते रहते हैं। तुंगनाथ का भी ब्लॉग डाला हुआ है, ट्रैक कर रहे हैं, तो वो भी देखना जाके एक बार जरूर, ठीक है? ओके भाई, थैंक यू भाई, बिल्कुल भाई, ओके भाई, थैंक यू भाई, बाय। तो भाई आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि अभी मैं बता दूं इतनी देर से खड़ा हुआ था, 7:30 बजे यहाँ खड़ा हुआ था और अभी 8 बज चुके हैं और एक भी राइड नहीं है। तो भाई निकलते हैं, हम थोड़ा आगे पीछे होके देख लेते हैं। तो राइड तो मिली नहीं, कुछ बच्चे आ गए थे तो उन्हीं के साथ टाइम पास कर लिया। वो बोलते रहे क्या करते हो भैया, क्या नहीं, तो ब्लॉगिंग करते हो, कौन सी ब्लॉगिंग करते हो, तो ऐसे ही कुछ पूछने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे पार्क से जा रहे थे, बगल में पार्क है ये, तो यहाँ से निकल रहे थे, तो फिर कहने लग गए सब्सक्राइब कर देंगे। मैंने बोला उनको हाँ भाई ज़रूर करना, क्योंकि अभी तो नीड है सब्सक्राइबर्स की। और भाई वीडियो भी देखना जाके, बताया मैंने ट्रैकिंग वगैरह भी कर लेते हैं, बाइक की भी, रैपिडो भी, मतलब ऑल ओवर ब्लॉगिंग कर लेते हैं भाई। तो कहने लग गए ठीक है भैया, मैं घर जाके सब्सक्राइब करूँगा। तो भाई काफ़ी देर होगी यार, मैंने मतलब सैटरडे हल्का होता है, इतना हल्का होता है ये नहीं सोचा था यार। चलो कोई बात नहीं, राइड तो हो ही रही है भाई अपनी, एंजॉय तो कर ही रहे हैं मॉर्निंग। और भाई सुबह का जो मौसम है ना वो भी बढ़िया हो रखा है, मतलब ऐसी कोई गर्मी भी नहीं है, ठंडा मौसम हो रखा है, तो ऐसा कोई वो लगा नहीं कि हाँ भाई घर चलना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई थोड़ा आगे पीछे घूम के, और अगर कोई राइड आती है तो ले लेंगे, और अगर राइड नहीं आती है तो भाई घर निकल जाएंगे, और क्या है इसमें। बाकी आप लोगों से मुलाकात करनी थी, तो भाई कमेंट कर दो कैसे हो आप सभी लोग।
तो भाई जितनी भी जो सड़कें भरी रहती थी ना, वो आज सड़कें सारी खाली हैं। और भाई राइड इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि सब अपने घरों में आराम से सो रहे हैं भाई, और हम चला रहे हैं अपनी रैपिडो। निकल लिए थे, मैंने सोचा जो भी काम होगा 250 रुपए का तो भाई ठीक रहेगा, लेकिन क्या करें भाई, सैटरडे के कारण एक भी राइड नहीं मिल रही है। मॉर्निंग में सिर्फ दो राइड करी हैं, एक स्कूल में मैम को छोड़ा था और दूसरी सेक्टर 10 में हॉस्पिटल में छोड़ा था। बस उसके बाद तीसरी कोई राइड तक नहीं बजी, तब से ऐसे ही रैपिडो ऑन है। और ओला भी ऑन कर रखी है, रैपिडो भी ऑन कर रखा है आराम से हमने, तो भाई सारी चीज़ें ऑन कर रखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एक पे बजे, मतलब किसी पे तो बज जाती, चलो खैर जो भी है। तो भाई चलाते चलाते पहुँच चुके हैं सेक्टर 10 के अंदर, और 10 से फिर आएगा अपना 11, 12, 13, 14, 14 में अपने पहुंच जाएंगे भाई। नहीं होगा तो जूस जास पियेंगे, केले खाएंगे और उसके बाद निकल लेंगे अपने घर के तरफ। तो भाई पी लिया जूस और निकलते हैं भाई यहाँ से अब घर के लिए, क्योंकि यार राइड तो अपने को कोई मिल ही नहीं रही सैटरडे को। जितना आज कमाया नहीं उससे कई ज़्यादा तो मैंने पेट्रोल फूंक दिया भाई, क्योंकि वहाँ से सेक्टर 9 से अभी मैं जो है वो खाली आ रहा हूँ। और 50 रुपये की राइड करी थी, उसका जूस पी लिया, 200 का पेट्रोल डलवा लिया, तो भाई 0 बटा, मतलब माइनस में चल रहा है बैलेंस अपना। कोई नहीं, मंडे से इसको प्रॉफिट में लेके जाएंगे, तो चलते हैं भाई। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे एक और राइड पे दोबारा से, मंडे की राइड पे मिलेंगे क्योंकि कल है संडे। और भाई संडे को भी यही हाल होगा क्योंकि सबकी छुट्टी होगी, तो फिर निकलेंगे भाई अब मंडे को। मंडे को मिलते हैं आप सभी को, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। और भाई गलियों की हालत तो ना रद्दी हो रखी है एकदम, इसीलिए बाइक निकालने का भी मन नहीं करता। आपको बाइक की हालत दिखाई होगी, क्या बाइक की हालत हो रखी है दोस्तों। जो भी ये प्रोग्रेस चल रहा है, ये सारा चल रहा है भाई नेक्स्ट ट्रिप के लिए, तो करेंगे भाई लंबी करेंगे, जैसे पिछली बार 3 दिन की करी थी, इस बार भी कम से कम नहीं तो 3 दिन के लिए तो करेंगे ही। तो जब तक पैसे जमा कर लेते हैं, अभी तो बारिशों का मौसम है, मम्मी भी मना कर रही है कहीं नहीं जाना, तो भाई लगे हुए हैं। मैला कहीं नहीं जाना तो दिल्ली में तो रह ही सकते हैं, कमा तो सकते ही हैं। तो मिलते हैं एक और नई राइड पे, जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में।